एम्बुलेंस का रास्ता नहीं है यहाँ पे, मतलब इमरजेंसी में अगर कहीं आदमी को निकलना हो हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकता, ऐसी स्थिति हो रखी है। ये मेयो गर्ल्स के आगे वाला एरिया है। ये पानी कहाँ से आता है? ये पानी मेयो कॉलेज से भी आता है और उधर मदार से भी आता है पानी। कहूँगा कि इस ओर ध्यान दें, और निगम के कई लोग यहाँ लगे हुए हैं, वो निरंतर सफाई कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करेंगे। हालात तो आप देख ही रहे हो, यहाँ पर लगभग थोड़ी सी बारिश आती है उसमें इतना पानी भर जाता है जिससे आने जाने वाले सभी लोगों के मतलब जीवन संकट में रहता है। कहीं खड्डे हो रखे हैं, कहीं क्या स्थिति हो रखी है, आदमी को डर लगता है यहाँ से निकलते हुए, और इतना पानी भरता है कम से कम घुटने तक तो, मतलब थोड़ी सी बारिश में पानी आ जाता है, इतनी गाड़ियाँ बंद हो जाती है पूछो मत। अब लगभग ये आप देख लो लगभग आधे घंटे से ये बंद पड़ा है पूरा। यहाँ देखो एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस का रास्ता नहीं है यहाँ पे, मतलब इमरजेंसी में अगर कहीं आदमी को निकलना हो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता, ऐसी स्थिति हो रखी है रोड। अच्छा, यहाँ पर स्कूल भी काफ़ी है, सीआरकेएफ स्कूल है, इस पॉइंट स्कूल है, यहाँ काफ़ी स्कूल है। और पिछले अभी दो दिन तीन दिन पहले एक वीडियो भी आया था, वहाँ छोटे छोटे बच्चे इस पॉइंट स्कूल वालों ने उन बच्चों को छोड़ा था, उनका जीवन संकट में डाल के वो बच्चे साइकिल लेके कमर कमर तक के पानी में से वहाँ से निकले थे। तो ये गुलाबबाड़ी रोड और ये पूरा ये एरिया पानी, ये कौन सी जगह है? ये मेयो गर्ल्स के आगे वाला एरिया है। ये पानी कहाँ से आता है? ये पानी मेयो कॉलेज से भी आता है और उधर मदार से भी आता है पानी। तो क्या मानते हो प्रशासन को जल्द से जल्द? प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, ये आम पब्लिक की है, मतलब आम पब्लिक को, मतलब ये देखो रोड पे आम पब्लिक को तकलीफ होती है, और प्रशासन को मैं कहूँगा इस ओर ध्यान दें, और निगम के कई लोग यहाँ लगे हुए हैं, वो निरंतर सफाई कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करेंगे जब प्रशासन उनके साथ खड़ा होके खड्डे हैं खड्डे भराएंगे, पानी की निकासी की सुविधा जब तक नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं हो सकता। और ये पिछले काफ़ी सालों से ऐसा होता हुआ आ रहा है। मेरा नाम सतीश शेरा है। ऐसा देख लो, स्मार्ट सिटी है ये पूरी, गाड़ियाँ पलटे खा रही है, टेढ़ी हो रही है गाड़ियाँ, बच्चों स्कूल है, और कोई प्रशासन ध्यान नहीं देता, ना ट्रैफिक की व्यवस्था है, ना पानी इतना भरा हुआ है, पार्षद ही नहीं देखता। ये पानी आता है मेयो कॉलेज में से आ रहा है ये पानी, और ये खड्डे बहुत गहरे गहरे हैं इसमें, यहाँ इतनी परेशानी है रोज का आना जाना हमारा। पर क्या है कि कोई ना तो पार्षद आके देख रहा है ना प्रशासन आके देख रहा है। जब जागेगा, जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, या बच्चे बच्चे या किसी के साथ एक्सीडेंट होगा ना, तब जागेंगे ये। नाम बताइए। मेरा नाम जितेंद्र। मेयो कॉलेज वाला जो रोड जा रहा है, इसकी रोड की बहुत ही दर्दनीय स्थिति है, क्योंकि अभी जब बारिश के समय के अंदर पूरा चारों तरफ पानी भरा, बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि इससे जल्द से जल्द दुरुस्त करा जाए, नहीं तो बहुत ही जल्द यहाँ इस रोड से निकलने वाले कोई हानि का सामना करना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है। नाम बताइए। हेमंत साखला पार्षद। ये सारा मेयो कॉलेज का पानी है भैया, मेयो कॉलेज ने इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं रख रखा, ना कोई व्यवस्था है इसके लिए। क्या इस तरह से आने जाने में परेशानी? आने जाने में परेशानी, थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो गाड़ी के आधा आधे पहिए डूब जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, जगह जगह खड्डे हो रखे हैं, पानी में दिखता नहीं है, स्कूल के बच्चे आते हैं, लेडीज आती हैं, सब यहाँ गिरते हैं खड्डे के अंदर। क्या मानते हो यहाँ पर स्कूल है, इस पॉइंट स्कूल और बहुत से स्कूल हैं? हाँ जी, CRPF PC1। हाँ, तो किस तरह से बच्चों को निकलना पड़ता है? बच्चों को निकलना पड़ता है, कई बार तो बच्चों को यहाँ पर एक एक घंटे वेट करना पड़ता है कि पानी उतरे, उसके बाद बच्चे निकलते हैं। क्या कई लोग गिर भी गए हैं यहाँ खड्डे के अंदर, नहीं कोई सुनने वाला ही नहीं है। ये कहाँ से आता है पानी? ये मेयो कॉलेज के अंदर से आता सर, सारा पानी मेयो का आई है। अच्छा, अभी तो दो दिन से बारिश भी नहीं हो रही, फिर भी इतना बारिश नहीं है, उसके बाद भी अभी तक पानी आ रहा है। ये देखिए, अभी रिसाव हो रहा है पानी का, जगह जगह सारा मेयो कॉलेज का पानी है सर। पैदल चलने वालों को किस तरह? पैदल चलने वालों तो निकलता ही नहीं है सर यहाँ से। नाम बताइए आपका। मेरा नाम दिलीप तंवर है सर। ये पानी तो भाई साहब रोज का ही काम है, ये भयंकर पानी है ना, तो ये इस वजह से मेयो कॉलेज वैसे होता हुआ इधर निकलता है रोड का। किस तरह से दिक्कत आती है पैदल? दिक्कत जाने तो वाले? पैदल वालों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि पैदल चलते चलते आदमी खा, रोड जाम हो जाता है, फिर कैसे निकलेगा इंसान। ये पानी कहाँ से आता है? ये मेयो कॉलेज का पानी भरा हुआ तो रहता निकल, जो वही निकलता है। अच्छा, अभी तो बारिश भी नहीं हो रही दो दिन से, तो ये पानी पहले का भरा हुआ है वो निकल रहा है। ठीक है, कौन सी जगह है ये? मेयो कॉलेज रोड है ये, इसको क्या कहते हैं? नाम बता दीजिए आपका। आपका नया लाल है।